आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो यहाँ पे अभी ऑपरेटर आईडी मिलना शुरू हो चुका है, तो इस ऑपरेटर आईडी के लिए किस प्रकार से अप्लाई करेंगे इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। जो ऑपरेटर यहाँ मिलना शुरू है, यानी कि इस ऑपरेटर आईडी मिलने के बाद यहाँ पे आप किसी भी ग्राहक का, किसी भी कस्टमर का यहाँ पे आप आयुष्मान कार्ड बना के दे सकते हैं, आयुष्मान कार्ड बना के यहाँ पे दे सकते हैं। और किसी फैमिली मेंबर का नाम छूट जाता है तो उसका नाम भी यहाँ पे आप ऐड करा सकते हैं, और यहाँ पे आधार कार्ड भी आप लिंक करके दे सकते हैं, और यहाँ पे इसका केवाईसी भी कम्प्लीट कर सकते हैं। इस कार्ड जैसे आपका इस गोल्डन कार्ड बन जाता है, तो आयुष्मान भारत कार्ड आपका बन जाता है, किसी गवर्नमेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पे 5 लाख तक का साल में वहाँ पे इलाज आप करा सकते हैं इस गोल्डन कार्ड से। देखिए इसी पोर्टल में आप देख सकते हैं आपने कितना आयुष्मान कार्ड अभी तक में अप्रूवल किया है, आपने कितना पेंडिंग किया है, कितना आपने रिजेक्ट किया है, वो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे किसी कस्टमर के यहाँ पे आप देख सकते हैं, आधार कार्ड भी आप लिंक करके दे सकते हैं, और किसी घर में किसी फैमिली मेंबर का जो आयुष्मान कार्ड में नाम छूट चुका है उसको यहाँ पे नाम भी ऐड करा के दे सकते हैं, और रीडू ई केवाईसी भी करा के दे सकते हैं, इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे इस गोल्डन कार्ड आपका बन जाता है तो आप किसी भी गवर्नमेंट किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में 5 लाख तक का मुफ्त में यहाँ पे इलाज आप करा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया, अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। देखिए यहाँ पे 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं किसी गवर्नमेंट किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से यहाँ पे ऑपरेटर आईडी के लिए अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने छोटे की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को दो सब्सक्राइब कर दो, बैल को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना पड़ेगा beneficiary.nh.gov.in। इस सेट का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिले, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। अगर बेनिफिशियरी करना है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं ऑपरेटर आईडी के लिए अप्लाई करने वाला, मैं ऑपरेटर आईडी पे क्लिक कर देता हूँ। सर देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में देखिए देखिए आई डोंट ए अकाउंट प्लीज, देखिए साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करने वाला, देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आधार नंबर, देखिए यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे जो आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे आप फिल करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं आधार नंबर फटाफट से फिल कर ले रहा हूँ। आधार नंबर जैसे यहाँ पे फिल करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे वैलिडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट के बटन में जैसे क्लिक करें, देखिए आप ग्रीन टिक हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपको ई केवाईसी मोड के ऑप्शन पे इस पे क्लिक करेंगे। देखिए आपको दो ऑप्शन फिंगरप्रिंट और आधार ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके दोनों चीज में कोई भी अवेलेबल है उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास आधार ओटीपी के माध्यम से मैं ले रहा हूँ, आधार ओटीपी में क्लिक कर ले रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये टर्म कंडीशन आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दस आपको अलाउ के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगआउट में जैसे क्लिक है, जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी डालेगा आपको सबमिट के बटन पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखलाता हूँ। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। देखिए यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, आपका मेल है, फीमेल है, आपकी एज कितनी हो चुकी है टोटल यहाँ पे दिखाया जाएगा, और आपका यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए करंट एड्रेस इज सेम है आधार एड्रेस, अगर आपका इस एड्रेस से पूरा सेम है तो देखिए, अगर कुछ डिफरेंट है तो डिफरेंट भी डाल सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड से जो इस डे सेम है तो उसको यहाँ पे टिक करेंगे, आपका ये पूरा टोटल यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा एड्रेस देना चाहते हैं तो इसको अनटिक करेंगे, यहाँ पे कोई दूसरा एड्रेस भी आप दे सकते हैं। जैसे हमारा सेम है तो यहाँ पे मैं सेम है यहाँ पे फटाफट डाल देता हूँ। चलिए मैं इसको यहाँ पे इसको टिक कर दूँ, मेरा एड्रेस पूरा यहाँ पे देखिए सेम है, पूरा यहाँ पे ले चुका है। आप देखिए यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड में जो फोटो है वो फोटो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए आपको देखिए एक फोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। देखिए प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके जो फाइल मैनेजर है उसमें जाकर आपको फोटो ले लिया जाएगा जहाँ पे आपका फोटो रखा हुआ है। चलिए जो मेरा फाइल मैनेजर फोटो यहाँ पे फटाफट से ले लेता हूँ, जस्ट को मैं ओपन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए जो मेरा फोटो है यहाँ पे ये ले चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ये लोडिंग ले रहा है। देखिए यहाँ पे फोटो यहाँ पे ले चुका है। आप देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ देखिए ईमेल आईडी डालेंगे। चलिए जो मेरा ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, जो मेरा ईमेल आईडी पर्सनल वो फिल कर देता हूँ। ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया, आपको देखिए वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे, जो आपको वेरीफाई का बटन दिखाई दे रहा है इसी वेरीफाई के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए ये थोड़ा टाइम यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, चलिए लोडिंग यहाँ पे देखिए घूम रहा है, ये थोड़ा टाइम आपको वेट भी करना पड़ेगा, ये ज़्यादा भी समय यहाँ पे ले सकता है। देखिए यहाँ पे जो ईमेल आईडी डाला है वो ईमेल आईडी हमें एक वेरीफाई हो चुका है पूरी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे। देखिए पूरा मोबाइल नंबर फिल करके आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना पड़ेगा। आगे का प्रोसेस आपको दिखलाता हूँ। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, आपके जो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा वो ओटीपी का आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा, जिस तरह का ओटीपी आया उसी तरह का ओटीपी आपको फिल करना पड़ेगा। ओटीपी फिल करना, देखिए यहाँ पे ये ले चुका है पूरी वेरीफाई। अब आपको ऊपर इस साइड स्क्रॉल करना, अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखला जाए एड
रोल डिटेल्स, ये देखिए यहाँ पे पेरेंट एंट्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे बहुत सारी आपको एजेंसी यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिए SAG CAG आपको मिल जाएगा, देखिए SAG दिल्ली आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी एजेंसी मिल जाएगी। अब जिस भी एजेंसी के थ्रू यहाँ पे अपना हेल्थ आई डी कार्ड, यहाँ पे सॉरी आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए बहुत सारा आपको यहाँ पे देखा जाएगा, उसी हिसाब से चूज करेंगे यहाँ पर आप। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है SHA बिहार ले लिया, आप और भी यहाँ पे ले सकते हैं, बहुत सारा आपको सो जाएगा। SHA UP हो जाएगा, SHA ऐप हो जाएगा, देखिए SHA बहुत सारा आसाम हो जाएगा, बिहार इसमें बिहार में ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके माध्यम से बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे मैं किस काम के लिए लेना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे कार्ड क्रय एजेंसी की लेना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं एक कार्ड बनाना चाहता हूँ इसके माध्यम से मैं यहाँ पे कार्ड एजेंसियाँ ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना देखिए CSE भी आ जाएगा, नहीं तो देखिए यहाँ पे अपने स्टेट का नाम भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर, इनके बाद यहाँ पे आए किस कंपनी से बनाना चाहते हैं, CSE यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। अब देखिए यहाँ पे रोल पे क्लिक करेंगे, आप क्यों ID लेना चाहते हैं, जैसे मैं एजेंसी यहाँ पे ऑपरेटर में चूज कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन पे आएंगे, BIS पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको ऐड के बटन पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना पड़ेगा। ऐड कार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपका जो आपने डिटेल्स फिल करा वो यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका, किस डेट को देखिए 19/10/2024 को कितने मिनट में हुआ, टोटल डेट आपको दिखा दे रहा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे दे चुका। इसी तरह का आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे, क्या आपका यूजर आईडी रहेगा वो यूजर आईडी यहाँ पे फिल करेंगे, और यहाँ के आपको पासवर्ड फिल करना, जो आपका पासवर्ड रहेगा उसी तरह पासवर्ड यहाँ फिल करेंगे। चलिए फटाफट, अब देखिए यहाँ पे मैंने यूजर आईडी पासवर्ड मैंने फिल कर लिया। अब डायरेक्ट आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन में जैसे ही क्लिक करें देखिए यहाँ पे क्रिएट यानी अकाउंट क्रिएट, देखिए योर अकाउंट हैज बीन क्रिएट यानी कि जो यहाँ पे रोल्स हैज बीन सेंड यानी कि जो अपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करा है वो आपका अकाउंट पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे लॉग इन टू ट्रैक एप्लीकेशन यानी कि स्टेटस के ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जो आपका यूजर पासवर्ड उसको आप सेव कर लेंगे, यहाँ पे अपने जो अपने जो आपका यूजर आईडी यहाँ पे फिल करेंगे, जो अपने पासवर्ड वो यहाँ पे सिलेक्ट मोड पे, यहाँ पे अपने सिलेक्ट मोड करेंगे। चलिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स में फिल कर लेता हूँ, आपको लॉग इन करके पूरा प्रोसेस आपको दिखलाता हूँ। अगर आप यूजर आईडी यहाँ पे नहीं डालना चाहते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, आपको जो जो अच्छा लगता है उसी हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर चूज करा है, यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप क्या चीज़ से OTP होना चाहते हैं, मोबाइल नंबर मैंने चूज कर लिया, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP यहाँ फिल करेंगे, ये कैप्चा पे यहाँ पे जैसा कैप्चा वैसा फिल करेंगे, देन आपको लॉग इन के बटन पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना। देखिए इस तरह का ऑप्शन है, देखिए रिडीम, देखिए आपको देखिए यहाँ पे हैज बीन वेरीफाई ईमेल है, वेरीफाई यानी कि जो आपका ईमेल आईडी है उस पर एक लिंक किया है, उसी लिंक पे आपको डायरेक्ट क्लिक करेंगे, जाकर वहाँ पे आपको जो लिंक गया, चलिए मैं बैक आ जाता हूँ, जो मेरे इस पर लिंक गया मैं, चलिए यहाँ पे मेरा लिंक आया हुआ, देखिए इस तरह का लिंक आया हुआ आपके पास, देखिए यहाँ पे PMJ के नाम से, देखिए इस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। इस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो कम्प्लीट यहाँ पे वेरीफिकेशन हो चुका है, क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब चलिए यहाँ पे बैक आ जाता हूँ यहाँ पे मैं, अब देखिए क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा ऑपरेटर आईडी, देखिए आप यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, देखिए जो अभी पूरी तरीके से अप्रूवल नहीं हुआ है, अभी देखिए ये पेंडिंग के लिए लगा हुआ है, जैसे आपका ये अप्रूवल हो जाएगा आपको वहाँ पे टोटल वहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा, आपने कितना कार्ड वहाँ पे पेंड, कितना कार्ड आपने अप्रूवल किया है, कितना आपका कार्ड पेंडिंग, कितना वहाँ पे सक्सेस हो चुका है, क्या रिजल्ट है, कितना रिजेक्ट हुआ, आपको टोटल वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे ये अप्रूवल हो जाएगा ये आईडी, तो मैं आपको जरूर आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से वहाँ पे आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, इसमें किस तरह से फैमिली मेंबर का नाम ऐड कर सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। आई होप कि वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।